फिलहाल देश में हर तरफ केवल सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के बारे में ही चर्चा हो रही है। ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श के अनुसार फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री भी ले सकती है। फिल्म में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ भी नजर आ रही हैं और यह जोड़ी दर्शकों को काफी अच्छी लग रही है। बात करें सलमान के बारे में तो वे टाइगर जिंदा है की सफलता का जश्न मनाने के साथ ही अपनी अगली फिल्म रेस 3 की शूटिंग भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सलमान की यह फिल्म 2018 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में भी सलमान खान का एक्शन देखने को मिलने वाला है, जबकि उनके साथ ही जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर, डेजी शाह और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं। बताते चले कि फिल्म का डायरेक्शन रेमो डी सूजा कर रहे हैं। रेस 3 के साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि टाइगर सीरीज के अगले पार्ट को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में घोषणा की जा सकती है। इसके बाद सलमान खान आगे भी बिजी ही रहने वाले हैं। बता दें कि रेस 3 के बाद सलमान खान अपने जीजा अतुल अग्निहोत्री की फिल्म भारत को लेकर बिजी होने वाले हैं। इस फिल्म को ईद 2019 पर रिलीज किया जाना है। इस फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर के द्वारा किया जाना है। इस बीच ही सलमान खान की दबंग 3 को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। सलमान खान के पास इतना सारा काम देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2019 तक सलमान खान पहले से ही बुक हैं।